हेलो गाइस, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम एक सिंपल सा और एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हमारे साथ आज यहाँ पे छोटे से स्टूडेंट भी हैं, इनका नाम है व्योम। ठीक है, तो ये भी इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट होंगे। ठीक है, तो चलो इसके लिए देखो हमारे पास क्या एक्सपेरिमेंट है। तो देखो, ये हमारे पास एसेटिक एसिड है, ठीक है, और ये है बेकिंग सोडा। क्या है ये? बेकिंग सोडा, इसे कहते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बेसिकली हम इनके बीच में रिएक्शन ही पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हमने कुछ एक पॉलिथीन ले रखी है, किस चीज के लिए? छोटे से बैग्स बनाने के लिए, पॉलिथीन बैग्स बनाने के लिए। और हमारे पास यहाँ पे एक बलून है, सिरिंज है, सॉरी सिरिंज है और सीजर है, ठीक। और ये स्पैचुला है और थोड़ा सा थ्रेड है बांधने के लिए, ठीक है। तो देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें से, इस पॉलिथीन में से छोटे से पेपर बैग बनाएंगे। तो पहले इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा टेप है, टेप से इसको चारों तरफ से टाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने छोटा सा पेपर बैग बना लिया, ये पॉलिथीन बैग बना लिया। और इसमें हम रखेंगे, इसमें हम डालेंगे एसेटिक एसिड, ठीक है। तो इसमें से थोड़ा सा एसेटिक एसिड निकाल रहे हैं और इसमें डालते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसमें एसेटिक एसिड डाल दिया है। अब इसको क्या करेंगे, इसको बांध के हम इस बलून के अंदर डालेंगे। तो चलो इस बलून के अंदर डालते हैं हम। मैंने इस बलून के अंदर डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा, ठीक है। तो इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे, तो इसमें हम फनल का यूज कर लेते हैं और ऐसे यहां से इससे निकालते हैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा निकालते हैं, और बेकिंग सोडा यहां से इसके थ्रू, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा और डाल देते हैं बेकिंग सोडा। इसमें क्या डाल रहे हैं बेटे हम इसमें? बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये हमने बेकिंग सोडा इसमें डाला, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। अब इसको थ्रेड की हेल्प से इसको बांध देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने बांध दिया, ठीक है। तो इसी तरीके के से कुछ और पैकेट्स बना देते हैं, कुछ और बलून्स को बंद करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, मैंने कुछ और बना दिया, ये बना लिया हमने। हमने एक्चुअली इसमें क्या डाल रखा है, एसेटिक एसिड। क्या डाला है हमने? एसेटिक एसिड। क्या डाला है? एक्स एसिड, हाँ। और ये क्या था? बेकिंग सोडा। और एसेटिक एसिड के साथ हम बेकिंग सोडा को मिलाते हैं, तो क्या होता है, एक रिएक्शन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो जैसे ही मैं इन बलून्स को पॉप करूंगा, फोड़ूंगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और ये बलून फूलने लगेंगे, ठीक है। तो अभी करके देखेंगे। तो देखो क्या होगा, एसेटिक एसिड के साथ जैसे ही हम बेकिंग सोडा को मिलाते हैं तो क्या मिलता है, सोडियम एसिटेट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सीधे बैठो, ठीक है। तो सोडियम एसिटेट बनता है और वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बलून है। तो चलो व्योम, क्या आप तैयार हैं हाँ, एक्सपेरिमेंट करने के लिए? तैयार हैं? करें? आप भी करोगे? आप नहीं करोगे? क्यों? चलो करके देखते हैं। इसको हम फोड़ते हैं। दूसरे वाले को करके देखते हैं। अभी देखो धीरे धीरे फूल रहा है। अभी दूसरे वाले करते हैं, देखो फूल रहा है, देखो फूल रहा है। आई थिंक ये ठीक तरीके से फूटा नहीं है। ये फूल फूल रही है। इसको भी करके देखते हैं। इसको आप करोगे? आप करोगे? है। हाँ।
लो चलो इसको प्रेस करो, यहां से प्रेस करो। हाँ हाँ, और बस हो गया। तो देखो धीरे धीरे ये बलून फूलता जा रहा, देखो फूल रहा है, ठीक है। देखो बलून फूलता जा रहा है, क्यों फूल रहा है इसको भी करके देखते हैं। इसको भी नहीं करूंगा। इस पे आप करोगे? चलो यहाँ पे प्रेस करो इसे, यहाँ पे। हाँ जी हाँ, छोड़ो और देखते हैं। अब मैं उसको करता हूँ पापा, ये मैंने फूला इसको। ये देखो ये बलून फूल रहा है, देखो बलून फूल गया। क्यों फूला? क्योंकि बेटे इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, देखो ये भी और ये वाला बलून भी फूल गया, ठीक है। तो मैंने इसमें जो क्वांटिटी यूज की थी बहुत ज्यादा नहीं की थी क्वांटिटी यूज, अगर ज्यादा क्वांटिटी यूज करता तो ये बलून और ज्यादा फूलता और इसके अंदर और भी ज्यादा गैस बनती। तो देखो कैसे हो चुके हैं, ठीक है। देखो एकदम बहुत चेंज हो गए। कैसा हो गया ये? डार्क ब्लू। डार्क ब्लू हो गया, अच्छा फूल गया ना ये। हाँ। अच्छा इसमें कौन सी गैस बनी बताओ? हाँ। सोडा। तो इसके अंदर कौन सी गैस बनी है? इसमें हमने क्या डाला था? ये बेकिंग सोडा। ओके, और ये क्या था? ये सोडा नहीं, ये एसिटिक एसिड था। तो जैसे ही बेकिंग सोडा के साथ एसिटिक एसिड मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है बेटे। कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई जिसकी वजह से बलून फूल रहा है। देखो ये अलग करो आप, फूल गया ये तो, ठीक है। देखो ये और फूलता जा रहा, देखो ये वाला भी देखो और फूलता जा रहा। चाइन बनाओगे क्या इन दोनों को? देखो देखो कितना फूल गया ये, देखो ये बलून कितना फूल गया, ठीक है। वो क्यों फूला? वो इस वजह से फूला भैया क्योंकि बेकिंग सोडा के साथ जैसे ही एसिटिक एसिड मिल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अपने धीरे धीरे बलून फूलता जा रहा है, ठीक है। देखो फूल गया, देखो और फूल रहा, ठीक है। नहीं अभी नहीं दबाना, देखो ये अभी और फूलेगा। दो ज्यादा जोर से दबाने पर क्या होता है? फूट जाएगा वो। तो मैं कैसे लूंगा? अब ये धीरे धीरे फूल रहे है, धीरे धीरे फूल रहा है। हाँ देखा ना, फूल रहा ना। हाँ। देखो ये भी फूल गया, ये भी फूल रहा। तो बेटा इसमें हमने क्या मिलाया था? एसिड, एसिटिक एसिड। और बताओ ये क्या था? इसका नाम एसिड सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये देखो फूल रहा, देखो कितना फूल चुका, देखो कितना फूल गया, ये देखो ये वाला भी फूल गया, ठीक है। तो मैंने क्वांटिटी जो इसमें यूज की थी वो थोड़ा कम क्वांटिटी, अगर ज्यादा क्वांटिटी यूज करता ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती और ये और भी ज्यादा फूलते, ठीक है। तो देखो बहुत ज्यादा नहीं फूले हुए लेकिन फूल रहे हैं और अभी भी इसके अंदर गैस बन रही है। अगर आप अगर मतलब मैं इसे टच करके बता रहा हूँ तो देखो इसमें अभी मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा और गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो कुछ समय के लिए इसको छोड़ देते हैं और फूलने देते हैं जितना देर फूल सकता है, ठीक है। फूल रहा है, ओके। क्लीन आ रहा तो पहले सीधे बैठो इधर आओ पापा, क्लीन आ रहा ना सर, क्लीन आ रहा ना, सबसे पहले फूल गया। ओके चलो एक मिनट, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही करेंगे, नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और एक्सपेरिमेंट के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए ज्वाला कोचिंग क्लासेस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय कर दो आप भी, बाय बोलो, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, बाय बाय बाय।